दोस्तों गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव एंड गूगल एडिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैं 6 to 7 वीडियो बना चुका हूँ टेक फॉर यू चैनल के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हो इसका पूरा सीरीज स्टार्ट हो चुका है एंड कोई भी वीडियो देख के आप उस एडिक्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो इस वीडियो में मैं और एक एडसेंस अल्टरनेटिव के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि गूगल सर्टिफाइड एड पार्टनर लिस्ट के अंदर आता है। ये जो एड नेटवर्क होगा उसमें कोई भी एज सच ट्रैफिक रिक्वायरमेंट है नहीं। सो अगर आपके ब्लॉग में उतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं है तो आप इस एड नेटवर्क को भी यूज़ कर सकते हो एंड एडसेंस के साथ इस एड नेटवर्क को भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो एड नेटवर्क का नाम जो है सोवन। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ हाउ टू ज्वाइन सोवन, सोवन एड नेटवर्क में ज्वाइन करने का तरीका। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों डायरेक्टली अगर आप गूगल पे आके सर्च मारोगे गूगल सर्टिफाइड एड पार्टनर लिस्ट, सो यहाँ पे आप ओपन कर लोगे फर्स्ट वाला आर्टिकल और यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल सर्टिफाइड एड पार्टनर लिस्ट यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। यहाँ पे आप धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सोवन का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सोवन का नाम है। सो यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रोफाइल मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप सोवन के बारे में और जानकारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो 50,000 प्लस वेबसाइट इस एड नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको मोनिटाइजेशन सर्विसेज मिल जाएगा इसका, जैसे कि देख सकते हो डायरेक्ट डील्स, डायरेक्ट सेल्स, प्रोग्रामेटिक डायरेक्ट, रियल टाइम बीडिंग, टेक्निकल सपोर्ट्स, वीडियो एड मोनिटाइजेशन एंड वेबसाइट मोनिटाइजेशन, ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो डायरेक्टली चलते हैं सोवन के वेबसाइट में एंड कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सोवन के वेबसाइट में और आप देख सकते हो सो कुछ इस तरीके का वेबसाइट है सोवन का। सो यहाँ पे देख सकते हो एड एक्सचेंज, एड मैनेजर एंड बाय ऑन सोवन एड एक्सचेंज। सो यहाँ पे बेसिकली आपको एड एक्सचेंज को ज्वाइन करना होगा एंड यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो कि है कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम भी इसके पास अवेलेबल है। सो सोवन एड एक्सचेंज को ज्वाइन करने के लिए आपको एड एक्सचेंज पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट ए फ्री अकाउंट। सो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एक आपको डालना होगा और बेसिकली आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे जीमेल से ही लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद जीमेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जीमेल को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले एंड वीडियो एड शो करता है, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम भी इसके पास है। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले एड्स एंड वीडियो एड्स ही शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 डे पेमेंट टर्म्स है इसका। सो कोई इशू नहीं है मगर यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यही है कि आपको ओनली $25 में पे आउट मिलता है जो कि काफी बढ़िया है। इसके बाद गेट स्टार्टेड विथ एडवर्टाइजिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका वेबसाइट एंटर करना है। सो यहाँ पे देख सकते हो मैं वेबसाइट एंटर कर दिया, ये मेरा एक क्लाइंट का वेबसाइट है तो पूरा डोमेन नेम मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंटर कर दिया उसके आई एग्री टू एडवर्टाइजिंग टर्म्स एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट अपडेट योर एड डॉट टी एक्स टी, ये जो वेबसाइट ये जो एड डॉट टी एक्स टी सोवन से प्रोवाइड किया गया है इस एड डॉट टी एक्स टी को अपना वेबसाइट में लगाना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो एड डॉट टी एक्स टी को आपको कॉपी कर लेना है। सो वेबसाइट में एड डॉट टी एक्स टी लगाने के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट है आपके पास तो आपको एड्स डॉट टी एक्स टी मैनेजर एक प्लगइन आता है उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे देख सकते हो एड डॉट टी एक्स टी आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जो एड डॉट टी एक्स टी आप कॉपी किए थे उस
@.txt को यहां पे पेस्ट कर देना है। बस पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सो सेव चेंजेस हो चुका है एंड @.txt लग चुका है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड बिजनेस नेम यहाँ पे कुछ डाल देना है, जो भी वेबसाइट का नाम नेम है उसको ही डाल दो। आई वेरीफाई दैट माई बिजनेस इन्फो इज करेक्ट। उसके बाद सबमिट माई इन्फो इस पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव सबमिटेड योर बिजनेस इन्फो। इफ योर बिजनेस इन्फो चेंजेस प्लीज रीच आउट टू सपोर्ट टू अपडेट इट। सो ये चला गया है सोवन के पास एंड ये जो वेबसाइट है अप्रूवल के लिए चला गया है। अब देखो एड्स कैसे सेटअप करोगे। यहाँ पे देखो एड टैग्स है, सो इस पे क्लिक करेंगे और यहां से आपको एड टैग्स को लगाना होगा। सो यहां पे एड टैग के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंगल साइज टैग, मल्टी साइज टैग एंड वीडियो टैग्स, ये तीन फॉर्मेट आपको मिल जाता है। सो यहां पे सिंगल टैग लगाते हैं, सिंगल साइज टैग लगाते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे देख सकते हो एक टैग का नेम देना है। सो टैग का नेम दे देते हैं हेडर। यहां पे एक साइज आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रेस बैक टैग। यहाँ पे आप CPM को सेट कर सकते हो। यहाँ पे एडसेंस में जैसे CPC का पैसा मिलता है, यहाँ पे CPM रेट का पैसा मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पे पास बैक टैग यहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते इफ वी कैन नॉट फाइंड योर एड रिक्वेस्ट वी विल सेंड इट टू एन एड टैग फ्रॉम एनी ऑफ योर अदर पार्टनर। मतलब दूसरा अगर आपके पास एड टैग है तो उसको यहाँ पे डाल सकते हो। एडसेंस का एड टैग भी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर यहाँ पे इसका एड्स नहीं दिखाता है तो डायरेक्टली आपका एडसेंस का एड भी दिखाएगा, जिससे क्या होगा आपका जो रेवेन्यू होगा उसमें बूस्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखो बाकी ऑप्शंस भी है, मल्टी साइज टैग भी है, वीडियो टैग्स भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो जब अप्रूवल मिलेगा तब आप यहाँ से एड टैग्स वगैरह यूज कर सकते हो। ये जो कॉमर्स सेक्शंस है यहाँ पे देखो बेसिकली आप यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स को उठा सकते हो, उसका लिंक अपना वेबसाइट में डाल सकते हो। अगर आपका एफिलिएट रिलेटेड साइट है तो यहाँ से आप उसको भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग मेड इजी। सो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको वेट डू यू पोस्ट, मतलब आप इसको प्रमोट करोगे तो कहाँ पे आप पोस्ट करोगे, सोशल मीडिया वेबसाइट। सो दोनों में से एक चूज करना है वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू द कॉमर्स टर्म्स एंड कंडीशंस, सो इसको एग्री करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका वेबसाइट यहाँ पे डालना होगा फिर से। सो वेबसाइट डाल दिया और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का सिस्टम आएगा, देख सकते हो। क्रिएट योर फर्स्ट एफिलिएट लिंक, गो टू द मर्चेंट साइट लाइक वॉलमार्ट और मर्सीज, फाइंड ए प्रोडक्ट टू प्रोमोट, कॉपी एंड पेस्ट द URL एंड पेस्ट इट हियर। सो यहाँ पे पेस्ट करना होगा। सो वॉलमार्ट के साइट पे चलते हैं और दिखा देते हैं। सो यहाँ पे मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट आपको आपके वेबसाइट में प्रमोट करना है। मान लो ये जो इसको आईफोन 13 है इसको आपके वेबसाइट में प्रमोट करना है, तो यहाँ से क्या करोगे, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे प्रोडक्ट का URL डाल देना है। उसके बाद एफिलिएट योर लिंक इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हो सोवन का जो ये एफिलिएट लिंक है वो बन के आ चुका है। सो कॉपी इस लिंक को कॉपी करना है एंड आप इसको सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर सकते हो, इसको वेबसाइट में भी प्रमोट कर सकते हो। सो सोशल मीडिया में अगर प्रमोट करना चाहते हो तो वहां पे सोशल मीडिया सिलेक्ट करना था, अगर वेबसाइट में प्रमोट करना चाहते हो तो वेबसाइट ही सिलेक्ट करना। सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का लिंक बन के आएगा। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई हैव पोस्टेड माई लिंक, सो वेटिंग फॉर योर फर्स्ट क्लिक्स।
फास्ट क्लिक के लिए वेट करने बोल रहे हैं, तो उसके बाद साइट रिव्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ये जो लिंक है उस लिंक पे कोई आएगा क्लिक होगा तो एफिलिएट प्रोग्राम है ये स्टार्ट हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आप एफिलिएट कर सकते हो प्रोडक्ट का। तो ये भी अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हो तो ये काफी अच्छा एंड बढ़िया रहेगा, एंड एफिलिएट ब्लॉगिंग करते हो तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप के सोवर्न जो एड नेटवर्क है इसके बारे में आप लोगों को सही जानकारी मिल पाया है। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।